शादी का झांसा देकर रेप की खबरें अक्सर आती रहती हैं और ऐसे ही एक मामले को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है और इस मामले में कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं और ऐसे मामलों में दूसरे हाईकोर्ट्स क्या फैसला सुना चुके हैं और साथ ही ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो भी आपको हम बताएंगे विस्तार से। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आजकल महिलाएं अपने पुरुष साथी के साथ मतभेद होने पर बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने 5 जुलाई को एक शख्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें एक महिला ने शादी से इनकार करने के बाद शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाया था। दोनों 2005 से सहमति से संबंध बना रहे थे। जस्टिस शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार दोहराया है कि अगर दोनों में से किसी एक पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया हो तो वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिलाएं कलह सहित कई कारणों से अपने पुरुष साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का दुरुपयोग कर रही हैं। महिला ने 30 जून 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी 2005 से उसके साथ सहमति से यौन संबंध बना रहा था। उसने कहा कि दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जैसे उनमें से किसी एक की नौकरी मिलेगी वे शादी कर लेंगे, लेकिन बाद में आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली और उसके बाद भी उनका रिश्ता जारी रहा, ऐसा दावा किया गया है। अब हाईकोर्ट ने कहा कि महिला जानती थी कि जिस साथी के साथ वो रिश्ते में है वो पहले से ही शादीशुदा है और फिर भी स्वेच्छा से अपना रिश्ता जारी रखा और ऐसी स्थिति में सहमति खुद ही लागू हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से किसी रिश्ते में प्रवेश करते समय विवाह के आश्वासन की सत्यता की जांच शुरुआत के चरण में ही की जानी चाहिए, बाद के चरण में नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शुरुआती चरण तब नहीं माना जा सकता जब रिश्ता 15 साल तक चला हो और यहां तक कि आरोपी की शादी के बाद भी जारी रहा हो, तो ये कहते हुए कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। अब ऐसे एक मामले में मध्य प्रदेश में एक महिला ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर शख्स के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ, जिसे उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि शादी का वादा सच्चा है या झांसा, ये परखने के लिए एक साल से ज्यादा का वक्त काफी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उसने FIR को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को धोखा देने के लिए शादी का झूठा वादा करके उससे संबंध बनाना अपराध है, तो वहीं दूसरी तरफ वादा करके उसे पूरा नहीं करने को झूठा वादा नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला लंबे समय तक आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी, यहां तक कि वह खुद उसके आवास पर गई थी। वहीं आपको बताते हैं कि ऐसे मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी। इस मामले में आरोपी की ओर से पेश वकील ने यह दलील दी थी कि अगर पुरुष साथी प्रेम संबंध खत्म करने का विकल्प चुनता है तो रिश्ते में जोड़े के बीच बना शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी ऐसे मामलों में टिप्पणी की कि शादी का झांसा देकर बनाया गया शारीरिक संबंध रेप नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में क्या टिप्पणी की है और इसी तरह से जो बाकी हाईकोर्ट है वो क्या कुछ कहते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या कुछ कहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध जो बनते हैं उसको आप रेप की श्रेणी में नहीं काउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।